बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूरोप के हवाले से आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें जो एक चीज़ एक सवाल आप करते हैं वो ये कि कौन सी वो कंट्री है जो रिस्पांस में जल्दी काम कर रही है। अब यूरोप को अगर हम देखते हैं तो यूरोप में तकरीबन 50 ममालिक जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि हमारा जो ऑफिस है वो तकरीबन 27 ममालिक को टारगेट करता है। वजह उसकी कुछ और नहीं है, वो शेंजन स्टेट्स हैं। हम चाहते हैं कि आपको जो एक्सेस मिले वो कम अज़ कम शेंजन वीज़े का मिले, ताकि अगर आपको बाद में स्विच करना हो तो आपको वीज़ा दरकार ना हो, बल्कि आप दूसरी कंट्री में भी अगर जाना चाहें फ्यूचर के अंदर तो उसी वीज़े के ऊपर आप ट्रैवल कर सकें, और अगर जॉब ज्वाइन करनी हो तो आपको शेंजन वीज़ा से दूसरी कंट्री में वो डॉक्यूमेंट काम आते हैं। अगर आपको यूरोपियन यूनियन का ब्लू कार्ड मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है तो वो आपको पूरे यूरोपीय यूनियन में काम आती है और उस एरिया में काम आती है। शेंजन का वीज़ा जो है वो 27 ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल रहता ही है। तो ये हमारी कोशिश इसलिए होती है। अच्छा, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, वो ये है कि जो ईज़ी या फास्ट ट्रैक्स वीज़ाज़ हैं वो कौन से हैं। इसमें इसी में ही अमंग 27 कह सकते हैं आप। तो मैंने लिस्ट डाउन किया है 6 कंट्रीज़ को जहाँ का रिस्पांस जो है वो देखा गया है कि वो फास्ट है और इजी है। उसकी रीजंस भी मैंने नोट किए हैं, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो तजर्बे की बेस के ऊपर चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि क्या फीडबैक है और क्यों है वो। तो ये क्या और क्यों का मामला जो है वो आज का हमारी वीडियो का हिस्सा बनेगा। सबसे पहला नाम जो नज़र आया हमको, जो सबसे ज़्यादा उठ कर आया है, वो है एस्टोनिया का। एस्टोनिया बहुत शानदार मुल्क है और इसका जो रेशो है वो हाई है, वीज़ा देने की जो लिमिट है वो हाई है। तो हमने मालूम करने की कोशिश की कि रीज़न क्या है। तो रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पर दरख्वास्तें ही कम आती हैं। राउंड द वर्ल्ड से एस्टोनिया को टारगेट ही कम किया गया है, वहाँ से उसके ऊपर रश नहीं है, वो ट्रेंडिंग में नहीं है। अब वो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं है ये मेरा मसला नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर दरख्वास्तों का जो आने का जो वो है वॉल्यूम वही कम है, इसलिए एस्टोनिया जो है वो आपको ज़्यादा उसके रेशो हाई है, यानी कि वो ज़्यादा कबूल कर लेता है आपको। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो लैथुनिया का आता है, और लैथुनिया जो है वो क्यों एडवांटेज में है, उसकी वजह ये है कि एक तो ये कम तालीमी याफ्ता लोगों के लिए जन्नत है, यानी कि अगर आपकी तालीम कम है, आप मैट्रिक इंटर के बीच में हैं और आप के पास कोई इतना ज़्यादा तालीम नहीं है, डिग्री का डिप्लोमा ऐसे कोई शक्ल में नहीं आ रहे, कागजात कम हैं, तो फिर ये जो लैथुनिया है उसने बहुत सपोर्ट की है ऐसे लोगों के लिए, और वहाँ से उनका जवाब ज़्यादा निकल कर आता है। उसके रीजंस वहाँ के मौके हैं जो वहाँ पर बन रहे हैं और वो देते हैं, जिसमें लेबर कैटेगरी है, जिसमें अच्छा इसमें कैटेगरीज होती है ना, हर जितने ममालिक में ना डी कैटेगरी, वी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी, ये तमाम कैटेगरीज हैं। तो मैं उस पर टेक्निकल बात पर जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आम लोगों से। तो मैं आपको बोलूँगा जी सी कैटेगरी में ये होता है, डी कैटेगरी में होता है, तो आप उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैं लेबर कैटेगरी कह रहा हूँ, मैं हेल्पर कैटेगरी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं पैकिंग की जॉब्स कह रहा हूँ, मैं फैक्ट्री की जॉब्स कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास स्किल ऐसा नहीं है कि वो लोग कहेंगे जी वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैथुनिया के अंदर भूम है फैक्ट्रीज़ का और लेबर वर्क का और फैक्ट्री वर्कर का, और कुछ आप कह सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो बाइक राइडिंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, पैकिंग कर रहा है या पिकिंग कर रहा है, इन कामों के अंदर वो जो है लैथुनिया के अंदर खूब काम कर रहा है। तीसरा नाम जो आया वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग तो था, क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को अगर आप देखते हैं दरमियान में आपको आइसलैंड नज़र आता है, और आइलैंड जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह तो है लेकिन थोड़ी सी मुझे ठंडी लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं लोगों के, उसमें ये लिख कर देते हैं कि जी हम आपसे, और सब में ये लिखा हुआ था कि हम आपसे 40 घंटे पर वीक काम लेंगे। तो अगर उसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये बनता तकरीबन 8-5-40, तो तकरीबन ये मतलब ये हुआ कि सैटरडे संडे छुट्टी देते हैं और 8 घंटे काम लेते हैं। ये बहुत कम लोड है किसी भी इंसान के ऊपर, ये बहुत आइडियल टाइमिंग है इनकी, और यहाँ पर काम बहुत है जिसकी वजह से यहाँ काम मिलने के मौके ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जो वर्क है ना वो ज़्यादा फैला हुआ है, तो काम मिलने की वजह ये है कि काम ही बहुत है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे लैटविया की। लैटविया जो है नंबर 4 पर आता है। बहुत ज़्यादा वर्क वीज़ाज कैटेगरीज़ हैं, इसलिए इसमें अक्सरियत फॉल कर जाती है। यहाँ पर कैटेगरी बहुत ज़्यादा हैं,
या भाई यहाँ पर यानी कि हर कैटेगरी का आदमी खप जाता है। अगर आपके पास कम तालीम है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास हुनर नहीं है, आपके पास वो नहीं है, जो भी मामलात हैं, और हाई स्किल्ड वर्कर भी यहाँ पर खूब काम कर रहे हैं, उन्हें भी वो कमी नहीं है। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको साथ साथ में दो तीन ऑप्शन दे दूंगा, आप वैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर नाम मेरे पास आया है स्लोवाकिया का। अब स्लोवाकिया में ऐसे इन तमाम में होता है, लेकिन स्लोवाकिया में मुझे पता लगा कि ये ब्लू कार्ड देते हैं जो कि बहुत एडवांटेज है। इसके अंदर ये आपको सीजनल वर्क बहुत ज़्यादा देते हैं जो आपको एडवांटेज है। अगर आप 9 महीने के लिए 6 महीने के लिए काम करना चाहते हैं तो स्लोवाकिया उसके लिए नंबर 1 पर जा रहा है हमारे पास। इसके अलावा टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए 2 साल का वीज़ा जो है वो भी जारी हो रहा है ठीक ठाक। और सैलरी जो है ना, सैलरी इसकी जो गुड न्यूज़ है वो ये कि सैलरी इसकी हाई है, हाई सैलरी पे ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत कम होता है जब आप इस तरफ आते हैं ना, तो नॉर्मली हम जब लोगों को बोल रहे होते हैं कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो लो सैलरी का ही होता है कि भाई अगर कोई कंट्री आपको 1500 दे सकती है तो ये आपको ऑफर कर रहे होते हैं 800 में 700 में, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है जिसको आप पाकिस्तान पर रख के सोच सकते हो। अच्छा, छठे नंबर पर है जी चेक रिपब्लिक, जो छठे नंबर पर आई है, और इसके अंदर बिज़नेस के लिए बहुत बेताशा मौके हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि आप बिज़नेस करें यहाँ पर आके। नया काम, नया कारोबार खुल रहा है जिसकी वजह से नए लोगों के रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। अगर आपको वो कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री खोल लें, आप कारोबार खोल लें, तो अल्टीमेटली आपको लोग चाहिए फिर। और बार बार यही हो रहा है कि वहाँ पर बिज़नेस बढ़ते जा रहा है, जो इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है, इकॉनमी बूम कर रही है, तो वहाँ पर कारोबार खुल रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आप वहाँ पर काम, नया काम शुरू करें। नया काम शुरू करने से हमेशा जॉब ही निकलती है और जॉब यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर जो चीज़ें लोगों को मिल रही हैं उसको जो हमने देखा है उसको ये कहते हैं एम्प्लॉई कार्ड, ठीक है ना, जो यहाँ इशू हो रहा है चेक रिपब्लिक के अंदर। और एम्प्लॉई कार्ड जो है वो हर 2 साल के बाद जो है फिर वो आपको दोबारा नया करना पड़ता है। तो लिहाजा एम्प्लॉई कार्ड जो अगर जेब में आपके है तो आप वहाँ के रेजिडेंट भी हैं, वहाँ के आप एम्प्लॉई भी हैं, और एम्प्लॉई कार्ड के जो और बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। अच्छा, ये तो थी हमारे पास एक लिस्ट जो ममालिक जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, हॉट टारगेट हैं जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन आपका लाइन ऑफ एक्शन ठीक होना चाहिए, आपके पास आपके जो प्रोफाइल है जो अप्लाई करने में जा रही है वो ठीक होनी चाहिए। उसमें ख़ास तौर पे आपने जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा खेलना है ताकि कीवर्ड्स जो हैं वो गेम प्ले करते हैं आपको पिक करने में। यानी कि सीवी तो और लोग भी डालेंगे और डालते हैं, लेकिन आपने जो सीवी डालनी है वो इंतहाई खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग मैंने देखा है कि हमारे पास भी फीडबैक आता है, वो कहते हैं सीवी को बहुत सारा खूबसूरत बनाएं। वो खूबसूरती पे नहीं डिपेंड करते, पाकिस्तान में है कल्चर कि वो ग्राफिकल डिज़ाइनिंग और फूल बूटे और कुछ तो दरख्त बना देते हैं, कुछ क्या कोई क्या, तो वो नहीं मांग रहे वो लोग। वो कीवर्ड के ऊपर आपकी सीवी उठती है, ठीक है ना। सीवी जितनी मुख्तसर होगी, जितनी छोटी होगी, जितनी उसके अंदर ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे तो वही उठेगी वो। और उठने की वजह कीवर्ड्स होते हैं, कोई और बात होती नहीं है, वरना सिस्टम ही उसको बाहर फेंक देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ईमेल्स हैं वो आपके पास आपके इनबॉक्स में आती हैं, ठीक है, कुछ तो है वो स्पैम हो जाती हैं। तो स्पैम क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमारे कीवर्ड से मैच नहीं कर रही होती है। तो जो वो समझती है, सिस्टम समझता है, जो आपके जीमेल का या हॉटमेल का जो अकाउंट है, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं कि ये बेकार बात कर रहा है, इसको फेंको बार। तो लिहाजा आपने बेकार बात नहीं करनी है, आपकी प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, फ्यूचर में आपसे एस्टोनिया, लेटविया, आयरलैंड, लेटविया या स्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक जो है, जब वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट मांगती है तो वो आपको देने पड़ते हैं। प्लस आपको उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी प्रोफाइल लगानी पड़ती है, तो वो पहले से तैयार करके रख लें या आप बाद में तैयार कर लीजिएगा। और हमसे करवाएंगे तो हमें तो देनी पड़ती है, हमें तो पता होता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन मांगते हैं, तो वो तो हम तो करेंगे करेंगे। हमारे पास सिस्टम क्या है, अच्छा आप खुद कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले बता दूं आपको, डरने की बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि पहले हमारे पास यूरोपी था, यूरोप गोल्ड प्रोग्राम, वो हमारे पास स्टैंडर्ड था और हमने उसी को आपको दिया और उसी पर काम किया। उसमें आपके ऊपर जो जिम्मेदारी हमने डाली और डालते हैं अब भी, वो ये है कि आपको रोज़ाना उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, 1 घंटा देना पड़ेगा और आपको तीन चार या 2 करके आपको अप्लाई करना पड़ता है। ट्रेनिंग हमारी होती है लेकिन अप्लाई करना पड़ता है आपको। रिप्लाई हम करते हैं, प्रोसेस हम करते हैं, डॉक्यूमेंट हम करते हैं, तमाम चीज़ें हम करते हैं, लेकिन आपको उसमें 2-3 नई पोस्ट पर डालना पड़ता है। लेकिन जो यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम है उसके अंदर ये 6 के 6 नाम जमा हो जाते हैं, ये 6 नाम आ जाते हैं और भी नाम आ जाते हैं, लेकिन ये 6 नाम तो आते ही हैं। तो वो जो यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम है उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है, आप टाइम दे नहीं सकते, आपके पास टाइम है नहीं, या आप टाइम देना नहीं चाहते, या जो मसला भी है। तो हम
आपका जो काम है वो हम देते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, जो उस मुल्क में आपके लिए जॉब को सर्च करने का जिम्मा उठाती हैं, ठीक है ना। अब आपने अपना किरदार समझना है कि आप जाने वाले हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप एम्प्लॉय बनने वाले हैं, हम आपकी प्रोसेसिंग करने वाले हैं, हमें बाकी कुछ पता नहीं होती, हमने प्रोसेसिंग करनी होती, डॉक्यूमेंटेशन की रिप्लाई करना होता है, उनको मुतमईन करना है, सेटिस्फाई करना है, आपको मालूमात देनी है, उनको मालूमात देनी है, आपको प्रोसेस करना है, उनको प्रोसेस करना है, और इस तरीके से आपको हमने गुड बाय टाटा करनी है। टिकट तक, वीज़ा तक, आपकी बायोमेट्रिक तक, आपकी प्रोटेक्टर तक, मेडिकल तक, इंश्योरेंस तक, वीज़ा तक, प्रोफाइलिंग तक हम काम करते हैं। लेकिन जो जॉब सर्च करके निकालता है उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट कंपनी, जिनका कॉन्टैक्ट होता है उन कंपनी से साथ जो आपको हायर करती हैं। और वो कंपनीज हमने जो प्रैक्टिकली देखा है, जो हम उसको कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं पहले से, लेकिन बहुत लोगों को हमने कहा था कि वो आपका फेज़ टू होगा, लेकिन अभी हमने उसको कैनेडा यूरोपियन प्लैटिनियम प्रोग्राम में डाल ही दिया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमसे नहीं हो रहा, ठीक है ना, आप हमसे डबल पैसे ले लें मगर आप करके दें, तो डबल पैसे तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो जो उसकी फ़ीस है एक्चुअल फ़ीस, उसी में ही आप काम कर देंगे। तो मामला ये है कि इसमें आपको करना क्या है, आपको जो प्लैटिनियम प्रोग्राम है वो सूट करता है अगर हमसे करवाते हैं, ये मेरा मशवरा है, ठीक है ना। और उसमें रहकर आप अपना जो भी कंपनी होगी वो ढूंढेगी, उसके बाद वो कंपनी आपको हायर करके आपसे वो अपनी सर्टेन फीस जो भी होगी वो एडवांस नहीं मांगेगी, नॉर्मली वो आपसे फ़ीस पहुंचने के बाद मांगते हैं कि जब आप वहां चले जाएंगे तो आपसे वो 500 यूरो कहें एडवांस में, या 1500 यूरो कहें, या 3000 यूरो कहें, जो भी कहें, उसको अगर आप कबूल करेंगे तो हमें आप कहेंगे कि भाई मैं कबूल करता हूं, मैं चला जाता हूं, मैं दे दूंगा वहां पर पहुंचकर, या किस्तों में दे दूंगा, वो आपकी उनसे बात हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने का टाइम तो कंपनी के पास भी होता है, उनके पास भी होता है, तो आपको भी दे सकते हैं वो 6 महीने का टाइम, तो मैं किस्तों में दे दूंगा, या वो कह देंगे जी हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, हम कंपनी से लेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं ना, ये हमारी ताकत से बाहर है, मतलब हम ऑफ़र लेटर लिखते ही नहीं हैं, ऑफ़र लेटर बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, और वो लेटर सीधा आपके पास आया है, आपने हमको बताया कि जी मेरे पास ऑफ़र आई है, तो ये ऑफ़र को वेरीफाई भी कर लें और कम्युनिकेट भी कर लें, तो मशवरा भी दे दें कि मुझे इसको कबूल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो टाइम आएगा जब हम आपसे उसके ऊपर बात कर लेंगे कि येस इट्स अ गुड ऑप्शन, यू शुड गो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा, मेहनत करें, खुद मेहनत करें या सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन जब तक आप हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, तो मंजिल नहीं आ सकती है। उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, टाइम तो नहीं दिखाना चाहिए मुझको, आपको उसमें इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट करने से पहले एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा तो फिर काम हो ही नहीं सकता, आपको इसमें आना पड़ेगा, ताकि आप अपनी जो लोग आप शिकायतें करते हैं ना, मुझसे मिलकर करते हैं शिकायतें कि जी महंगाई है और मुझे अभी सपोर्ट करना है फैमिली को, एंड ये तमाम बातें करते हैं ना आप लोग, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी ज़िंदगी बदलती है। हम कोई पहली दफ़ा किसी को भेज नहीं रहे, आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर, कैनेडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, आप नाम तो लें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो अवेलेबल हैं पहले से, मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है, तो वो भी तो गए हैं ना यार, तो आप लोग कोई तजर्बा नहीं करने वाले, और ना ही आपने मुझसे फरमाइश की है कि हम आपको मार्स के ऊपर भेजें, या हम आपको मरीख पर भेजें, या हम आपको चांद पर भेजें। ये तो एक आम सी बात है, बहुत आम सी बात है, करने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है, फिर आप देखिए काम कैसे होता है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।